नमस्कार, मैं हूं प्रभात और आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स क्लैश। दोस्तों, बिहार और रेलवे के बीच मुश्ताक अली ट्रॉफी का एक बेहद ही कमाल का मुकाबला चल रहा है। और जैसा कि मैंने तीन प्लेयर्स प्रेडिक्ट करा था दोस्तों कि इस मुकाबले में बेहद ही कमाल का प्रदर्शन करेंगे, बिल्कुल सही साबित होता हुआ नजर आया है अब तक। दोस्तों, बिहार और रेलवे के बीच मैच आज दोपहर 1 बजे शुरू हुआ। मैच में रेलवे की टीम ने टॉस जीत करके पहले बॉलिंग करने का फैसला किया। बिहार के लिए विपिन सौरभ ने काफी कमाल की बल्लेबाजी करी। उन्होंने 54 गेंदों में 10 चौके और एक शानदार सिक्स समेत 72 रनों की विस्फोटक इनिंग्स खेली। बाबुल कुमार ने बिहार के लिए बढ़िया बल्लेबाजी करते हुए 27 गेंदों पर 2 चौके और एक शानदार छक्का जमाया और 36 रनों की पारी खेली। इन दोनों ही बल्लेबाजों की बेहतरीन इनिंग्स के दम पर बिहार ने 20 ओवर में 4 विकेट खोकर 169 रनों का विशाल स्कोर खड़ा कर लिया है। कह सकते हैं कि बिहार के बल्लेबाजों ने अब तक अपना काम बहुत ही बढ़िया तरीके से कर दिया है और अब जिम्मेदारी आशुतोष अमन और अन्य गेंदबाजों पर होंगी। उम्मीद करेंगे कि इस मैच में आगे हमें बहुत ही शानदार फाइट देखने को मिलेगा। इस लक्ष्य को देखकर निश्चित ही बिहार फिलहाल जीत के लिए प्रबल दावेदार नजर आ रही है, लेकिन रेलवे के पास भी बहुत ही शानदार और धुरंधर बल्लेबाज मौजूद हैं, तो ऐसे में इस लक्ष्य को इन्हें हासिल करना बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं भी हो सकता है। दोस्तों, मैंने आपको प्रीव्यू वीडियो में बताया था कि बिहार के लिए विपिन सौरभ, बाबुल कुमार और कप्तान आशुतोष अमन इस मैच में की प्लेयर्स साबित हो सकते हैं। मैच में विपिन और बाबुल ने इस प्रेडिक्शन को बिल्कुल सही साबित कर दिया और बेहद ही कमाल की बल्लेबाजी करी है। लेकिन अब नजरें बिहार के दिग्गज खिलाड़ी कप्तान आशुतोष अमन पर होंगी। उम्मीदें हैं कि ये बहुत ही कमाल का गेंदबाजी करेंगे और अपनी टीम के लिए कुछ विकेट चटका के देंगे। अगर दोस्तों आशुतोष अमन और अन्य गेंदबाज बिहार के लिए बढ़िया प्रदर्शन करते हैं तो निश्चित तौर पर बिहार अब तक इस मुकाबले में आगे तो हमें जरूर से नजर आ ही रही है दोस्तों, लेकिन इस मैच को जीत भी सकती है। तो गाइस, अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे एक लाइक कर देना, और आपको क्या लगता है दोस्तों आखिर कौन सी टीम इस मुकाबले में जीत दर्ज करने वाली है, बिहार या फिर रेलवे, कमेंट करके जरूर बताना। दोस्तों, अगर आप इस वीडियो को फेसबुक या फिर इंस्टाग्राम पे देख रहे हो तो हमें फॉलो करें, और अगर आप इस वीडियो को यूट्यूब पे देख रहे हो तो हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को भी ऑल पे जरूर सेलेक्ट कर लेना। मिलेंगे दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड बी सेफ एंड आई लव यू ऑल।